दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिसमें आपको मात्र एक मशीन खरीदनी है और वह मशीन आपको प्रतिदिन 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में इनकम दे सकती है। बिजनेस बहुत अच्छा है और नया है दोस्तों। समय के आधार पर बिजनेस बदलते रहते हैं। कुछ समय पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन आज के समय में दोस्तों यह बिजनेस नया है और आपको चालू भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस दोस्तों बार बार नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपके मन में कुछ भी विचार आ रहा है, तो कॉल मी फॉर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो। उसकी जो आईडी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। आज का बिजनेस जो है दोस्तों यह अच्छा है, प्रॉफिट देने वाला है। कारण है कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में आईडी कार्ड हर किसी के पास होना चाहिए। कुछ समय पहले तक आधार कार्ड नहीं था तो लोग आईडी की तरफ कोई गौर भी नहीं करते थे। एक आईडी कार्ड हुआ करता था जिसकी ज्यादा मांग रहती थी, वो था वोटर आईडी कार्ड, और इसको भी बहुत कम लोग बनवाया करते थे। आवश्यकता हो गई तो बनवा लिया, नहीं नहीं बनवाया। राशन कार्ड हर घर में हुआ करते थे। परंतु आज का समय हो गया है कि अगर आपको कुछ भी कार्य करवाना है तो आपके पास कुछ कार्ड होने ही चाहिए, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, कि बहुत सारे ऐसे कार्ड हो गए जो रेगुलर हर किसी को चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिक आई कार्ड की। जो प्लास्टिक आई कार्ड है, इसको बनाने के लिए आपको बस एक छोटी सी मशीन लेनी है और आपका बिजनेस चल निकलेगा। दोस्तों इसको आप कहीं पर भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जो कार्ड होते हुए नहीं चाहते वह गुम हो जाए, और आधार कार्ड जैसे होता है वो एक नॉर्मल पेपर पे आता है, और अगर उसको आप प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कहीं पर भी वह आपके काम में आता है, जल्दी खराब नहीं होता, फटता नहीं है। तो इस प्रकार से कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड एक बार अगर बन जाता है तो दोबारा बनवाने बड़ी मुश्किल हो जाती है, कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग करवानी पड़ती है। तो अगर आप दूसरा पैन कार्ड एक सेम बनवा लेंगे जो आपको आवश्यकता पड़ने पर काम आ सकता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कार्ड होते हैं जिनको लोग अक्सर बनवाते हैं। स्कूल में आप देखते होंगे, आज के समय में जितने भी स्कूल होते हैं, प्रत्येक स्कूल में आई कार्ड की जरूरत पड़ती है, स्टूडेंट के पास होते ही होते हैं। इसमें आप डायरेक्ट स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल मालिक से मिलेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि सर मैं आई कार्ड बनाता हूं और प्लास्टिक कार्ड की हमारी ये क्वालिटी, आप क्वालिटी दिखाइए, रेट बताइए, गारंटी से दोस्तों आपको एक ऑर्डर मिलेगा। और समझ रहे हैं आप कि कितने कॉलेज स्कूल आज के समय में हैं। अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो समझिए आपका तो काम हो गया। इसके अलावा ऑफिस वगैरह आप देखते होंगे, जितने भी ऑफिस होते हैं सभी में आई कार्ड अनिवार्य होता है। बैंक कर्मचारी है, आई कार्ड अनिवार्य है। तो गेट पास वगैरह कोई कंपनी है तो गेट पास के लिए आई कार्ड की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्ड जो आप तैयार कर सकते हैं और लोग इसको आपके यहाँ बनवाने भी आएंगे। आप चाहें तो स्वयं ऑर्डर जाके ले सकते हैं, या फिर आप जहां पर भी दुकान खोल रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग आके आपकी दुकान से आई कार्ड बनवा कर ले जाएंगे। दोस्तों प्लास्टिक आई कार्ड जो पीवीसी आई कार्ड के रूप में आजकल समय ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं, इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप पीवीसी आई कार्ड का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितने बेनिफिट मिल सकते, किस किस को इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में दोस्तों लगभग लगभग हर किसी को कार्ड की जरूरत है। आई कार्ड जिसके पास नहीं है वह बनवाता है, और जिसके पास है वो चाहता है कि पीवीसी में उसके पास कार्ड उपलब्ध हो जो समय आने पर उसके काम में आए। तो इस प्रकार से आई कार्ड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि आई कार्ड का बिजनेस तो मैं शुरू करूंगा, पर इसकी मशीन कहां मिलेगी। दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका हल भी है। आप सबसे पहले मेरी इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आपको मोबाइल में टाइप करना है vijaybusinessidea.com। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा विजय बिजनेस आइडिया, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया देखने को मिलेंगे। तो जो भी अगर आप इसमें पढ़ना चाहें वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वरना अभी आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए आप ऊपर
थ्री डॉट जो दिख रही है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जाना है बिजनेस आइडिया में। अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तब तो आप बैंक लोन ऑफर पे जाएंगे, वरना आप बिजनेस आइडिया पे चले जाइए। इस पर आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पीवीसी आईडी कार्ड, पीवीसी कार्ड मशीन खरीद कर 5 दिन कमाए 5,000 से ज़्यादा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है कि पीवीसी कार्ड की डिमांड वगैरह कितनी है, पीवीसी कार्ड के होलसेलर कहाँ हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको अगर प्रिंटर खरीदना है तो ये जो आप देख रहे हैं पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटर होलसेलर, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पेज पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको प्रिंटर ही प्रिंटर देखने को मिलेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए एक से बढ़कर एक प्रिंटर हैं, वो अलग अलग कीमत में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी प्रिंटर पसंद आए वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगी, पीवीसी आईडी कार्ड सीट जिस पे आप कार्ड प्रिंट करेंगे उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस साइट पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको प्रिंट सीट मिल रही है, हर तरह के कार्ड की सीट है, तो यहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं जो कम से कम कीमत में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में आपको मिलता है यहाँ पे। तो आपको अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, तो इस प्रकार से खरीद सकते हैं। ये 5 का है और ये देखिए, और हल्की क्वालिटी में चाहिए तो ये 3 रुपये पीस आपको पड़ने वाला है। ये देखिए 3 रुपये में आपको पीवीसी कार्ड मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये सबसे अच्छा है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए तो कम में ले सकते हो, तो 5 रुपये में है आपका। और ये देखिए 4.5 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है। तो इस प्रकार से आपको इसमें सर्च करना है और आप ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इस साइट पर आने के लिए केवल लिंक पे क्लिक करना है, आप इस साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी कुछ आपको खरीदना है, खरीदारी करनी है, कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी होलसेलर से बातचीत कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, बहुत सारी मशीनें देखने को मिलेंगी, जो भी आपको उचित लगे, जितनी कम से कम कीमत में आप खरीदना चाहें या ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर 22,000 रुपये से शुरुआत है और 3 लाख रुपये तक की पीवीसी कार्ड मशीन मिल रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी मशीन पसंद आ रही है मशीन आपको खरीदनी है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन रुको, अभी पूरी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अब आपने मशीन तो खरीद ली, लेकिन अब इसके साथ में आपको खरीदना पड़ेगा पीवीसी कार्ड, जो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पीवीसी कार्ड भी दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी आपको अलग अलग देखनी पड़ेगी, जो आपको 2 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में कार्ड मिलने वाला है। कौन सा कार्ड होगा, कैसी क्वालिटी होगी, ये आप पर निर्भर करता है, या आप ऑर्डर ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। यानी कि आप अगर किसी से ऑर्डर लिया, उसने बोला भैया मैं 15 रुपये या 20 रुपये कार्ड दूंगा, तो 20 रुपये के आधार पे आपने 2 रुपये वाला या 3 रुपये वाला कार्ड प्रिंट करके उसको दे दिया। अब सोचिए आपको एक पीस पे 15 से 20 रुपये का मार्जिन हो सकता है। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि आप कार्ड किस प्रकार का बना रहे हैं। क्वालिटी अच्छी बना रहे हैं तो आप 5 रुपये वाला कार्ड ले लीजिए, और अच्छी चाहिए तो 7 वाला ले लीजिए, और अच्छी चाहिए 10 वाला ले लीजिए। ये आपके ऊपर और उस पार्टी के ऊपर निर्भर है जो आपको ऑर्डर दे रहा है। तो कार्ड 2-3 क्वालिटी के आपको खरीदने हैं, सादा ब्लैंक कार्ड, इनको आप प्रिंट करके उस पार्टी को देंगे। तो ये तो आपका सिस्टम हो गया कि चलो हम पीवीसी कार्ड भी खरीद लेंगे और मशीन भी खरीद लेंगे। लेकिन बात आती है इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एक मशीन खरीद रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मशीन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खरीदें। 22 से 25 हज़ार के अंदर मशीन तो आपको मिल जाएगी, पर उसकी उतनी अच्छी क्षमता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी। जैसा आप पैसा डालते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच में आपको कोई अच्छी सी मशीन मिल जाए। जो भी मैन्युफैक्चर आप देख रहे हैं उन मैन्युफैक्चर में जो भी आपको लगे कि ये मशीन सही है उससे संपर्क करें, उसकी ऑनलाइन रेटिंग देखें कि इसको जिसने खरीदा है उसने क्या बताया है। अगर सभी गुड ओके बता रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, वो मशीन अच्छी है। तो ये भी आपको देखना है तभी आपको परचेस करना है। ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं। आपने एक मशीन खरीद ली, चलो मान लो आपने 50,000 वाली मशीन खरीद ली, अब पीवीसी कार्ड जो 2 रुपये से 3 रुपये से 4 रुपये से स्टार्ट है, अब ज़्यादा नहीं, शुरुआत में
आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तक के कार्ड खरीद लें। इसमें वैरायटी होनी चाहिए दोस्तों आपके पास। ऐसा ना करें कि एक ही वैरायटी के आपने कार्ड खरीद लिए तो बाद में आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि जितना अच्छा कार्ड होता है उतना अच्छा ही उसका रिजल्ट भी होता है, उतना अच्छा लुक भी आता है, उतनी अच्छी प्रिंटिंग भी होती है। तो आपको इस चीज़ पे भी गौर करना है कि जो कार्ड खरीद रहे हैं दो तीन तरह के खरीदें। अगर कोई आपको एक कार्ड का 50 रुपये दे रहा है तो उसको कम से कम 10 रुपये वाला कार्ड तो दो, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं कि आपने बंदे से लिया 50 रुपये, आपने 2 रुपये वाला कार्ड उसको बना के दे दिया, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, वह दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और हर घर में दोस्तों बहुत सारे कार्ड बनने को होते हैं, अगर एक कार्ड उसको पसंद आया तो वो सारे कार्ड आपसे बनवाएगा। आप दिन भर खाली नहीं बैठेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ आपके पास काम आता ही रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको आप शुरू कर सकते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में। और दोस्तों अब बात आती है कि अगर हम इसको शुरू करें तो करें कहाँ पर। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आता है कि भाई चलो हम दुकान तो खोलने वाले हैं, पर इसको कहाँ पर खोल लें, बीच मार्केट में खोल लें? नहीं दोस्तों, ऐसी दुकान आप सिटी में जहाँ पर स्कूल कॉलेज हों, जहाँ पर किताबों की दुकान वगैरह हों, उसके आसपास खोलें। वहाँ पर क्या होता है, लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, और जब वो देखते हैं कि यहाँ पर इस कार्ड की प्रिंटिंग हो रही है, ये कार्ड बन रहा है, तो वो और लोगों को लेकर आते हैं, धीरे धीरे आपकी दुकान फेमस होने लगती है। तो दुकान आपको ऐसी जगह डालनी है जहाँ पर लोग आते जाते हों, और बड़े शब्दों में लिखाइए PVC कार्ड मेकर। तो इस प्रकार से लोग आपके बारे में जानने लगेंगे और आपको ऑर्डर देंगे, और आप स्वयं भी जाके स्कूल कॉलेज जो भी हैं, होटल वगैरह हैं या कोई कंपनी फैक्ट्रियां हैं, वहां पे जाके स्वयं आप ऑर्डर लीजिए। जब ऑर्डर लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक और बेनिफिट मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो कम से कम कीमत में आप खरीद सकें, हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप उन प्रोडक्ट को बहुत ही कम कीमत पर खरीद कर इसी के साथ शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस में और 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट मिले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।